नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सामाजिक विज्ञान की जो कक्षा 9 की पुस्तक है उसमें फोर्थ चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं। हम सेकंड पार्ट, फोर्थ चैप्टर का सेकंड पार्ट। पहला भाग जो है फर्स्ट पार्ट, वो लास्ट वीडियो में अपलोड कर दिया था, राजा राम मोहन राय तक। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड पार्ट में स्वामी दयानंद सरस्वती से। और इसके साथ ही जो लास्ट वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको उसका जवाब देना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किस तारीख और सन को की गई थी। तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किस डेट को और किस सन को जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। तो ये आपको कमेंट करके बताना है। और वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा आपके ग्रुप में, फेसबुक पे, हर जगह इसको शेयर जरूर करें ताकि कई विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज। ब्रह्म समाज की तरह ही आर्य समाज ने भी राष्ट्रीय स्तर पर धर्म और समाज सुधार का बीड़ा उठाया। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जिनका जन्म गुजरात के मोरवी प्रांत के टंकारा जिले में 1824 में एक ब्राह्मण रूढ़िवादी परिवार में हुआ था और इनके बचपन का नाम था मूलशंकर। अब इसमें से आपके एग्जाम में आने के लिए क्या पॉइंट है, कई पॉइंट हैं जो कई बार पूछे गए हैं। एक तो बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। जन्म कहां हुआ था, तो यह आपसे पूछा जाएगा, गुजरात के मोरवी प्रांत के टंकारा जिले में। कब हुआ था, 1824 में एक ब्राह्मण रूढ़िवादी परिवार में हुआ था। और ये भी पूछ सकता है कि इनके बचपन का नाम क्या था, मूलशंकर। और ये मूलशंकर तो कई बार पूछा गया है। देखिए जो बर्थ सन होता है वो ज्यादातर पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान में रहना जरूर ये आवश्यक है कि कौन सा व्यक्ति किस समय हुआ। तो अब इनको याद करने के लिए कोई सन रटे लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप तो ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जन्म कब हुआ था। तो ये याद रख लीजिएगा कि 1857 की जो क्रांति होती है उस समय इनकी आयु थी 33 साल। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि 1857 क्रांति के समय दयानंद सरस्वती जी की आयु कितनी थी, 33 साल थी, 33। जैसे राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था, तो अब उसमें सन रटे लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको क्या बताया लास्ट वीडियो में कि 1773 में क्या आया था, रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट से एक साल पहले राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था। तो इस तरीके से आप थोड़ा याद करने की ये चीजें होती है कि किस तरीके से सन वगैरह याद किया जाए। तो उसको किसी भी चीज के साथ लिंक कर दो, कहीं ना कहीं उसको जोड़ दो, तो वो सन आपको हमेशा के लिए परमानेंट याद हो जाता है। एक दिन उन्होंने मंदिर में एक चूहे को शिवलिंग पर चढ़कर प्रसाद खाते हुए देखा, तो इनका मूर्ति पूजा से विश्वास उठ गया। तो मंदिर में शिवलिंग है, तो शिवलिंग पे एक चूहा जो है वो ऊपर बैठा हुआ था और प्रसाद खा रहा था, जैसे लोग भोग वगैरह लगाते हैं, तो भोग लगाया हुआ था शिवलिंग पे। तो जब इस चूहे को इन्होंने इस तरह से ऊपर चढ़े हुए प्रसाद खाते हुए देखा, तब इनका मूर्ति पूजा से विश्वास उठ गया और 21 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। मथुरा में स्वामी विरजानंद जी को अपना गुरु बनाया। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि इनके गुरु कौन थे महर्षि दयानंद सरस्वती के, तो वो हैं स्वामी विरजानंद जी। उनका स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की शिक्षा प्राप्त की। गुरु ने उनको कहा, जियो और वेदों को पढ़ाओ। वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया और स्वराज को अपने कार्य का आधार बनाया। 1864 ईस्वी से स्वामी जी ने सार्वजनिक उपदेश देना आरंभ किया। तो इसमें एक तो आपको आप जैसे लिखना क्या क्या है, तो ये पहली लाइन भी मोस्ट है कि एक चूहे को शिवलिंग पर चढ़कर प्रसाद खाते हुए देखा, तो किनका मूर्ति पूजा से विश्वास उठ गया, तो वह महर्षि दयानंद सरस्वती। इनके बचपन का नाम क्या था, मूलशंकर। गुरु किसको बनाया, मथुरा में बनाया स्वामी विरजानंद जी महाराज को। इनसे इन्होंने वेदों की शिक्षा प्राप्त की और ये कहा गया अपने गुरु ने इन्हें ये कहा कि जियो और वेदों को पढ़ाओ। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया और स्वराज को अपने कार्य का आधार बनाया। स्वराज होता है अपना स्वयं का, हिंदुस्तान किसके लिए, हिंदुस्तानियों के लिए, क्योंकि उस वक्त शासन किसका है, अंग्रेजों का।
1864 ईस्वी से स्वामी जी ने सार्वजनिक उपदेश देना आरंभ कर दिया। इनका उद्देश्य हिंदू समाज व धर्म की बुराइयों को दूर करना था। उनकी प्राचीन वैदिक सभ्यता, संस्कृति और धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा थी। 1874 ईस्वी में उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की उदयपुर प्रवास के समय रचना की और 10 अप्रैल 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। तो ये आपसे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना कहाँ की इन्होंने, तो उदयपुर जब ये आए हुए थे, राजस्थान से इनका गहरा संबंध रहा है, कई बार आए ये करौली, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, कई स्थान पर आते हैं। तो 1874 ईस्वी में उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की उदयपुर प्रवास के समय रचना की और 1875 ईस्वी में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। अब आर्य समाज के सिद्धांत क्या क्या हैं? तो वेदों की सत्यता पर बल, वैदिक रीति से हवन व मंत्र पाठ करना, सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने पर बल देना, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि, पौराणिक विश्वासों, मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध करना। तो आपने ये पढ़ा है कि मूर्ति पूजा का खुद जो है ये विरोध करते थे। स्त्री शिक्षा तथा विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देना। ईश्वर सर्वशक्तिमान, निराकार व नित्य है, सभी से धर्मानुसार प्रीतिपूर्वक यथा योग्य व्यवहार करने पर बल दिया। तो ये आर्य सिद्धांत जो आर्य समाज है इनके कई महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं और मुख्य रूप से जो है ये बल देते हैं वेदों पे। इसीलिए इनका प्रसिद्ध जो नारा था वो था वेदों की ओर लौटो। हिंदी व संस्कृत भाषा के महत्व और प्रसार में वृद्धि करना, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति और सबकी भलाई में अपनी भलाई समझना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज में व्याप्त कुरूतियों की आलोचना की और उन्हें दूर करने के लिए जन समर्थन जुटाया। उन्होंने छुआछूत, बाल विवाह, कन्यावध, पर्दा प्रथा, मूर्ति पूजा, श्राद्ध, धार्मिक अंधविश्वास और रूढ़ियों का विरोध किया। स्त्री शिक्षा और स्त्री अधिकारों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि वेदों के अध्ययन का अधिकार स्त्रियों को भी पुरुषों के बराबर है। आर्य समाज शुद्धि आंदोलन में विश्वास रखते थे। विशेष परिस्थितिवश अन्य धर्म स्वीकार करने वाले हिंदुओं का वैदिक रीति से शुद्धिकरण कर पुनः हिंदू धर्म में लाने पर जोर दिया। जैसे मान लीजिए किसी परिस्थितिवश कोई भी हिंदू धर्म का व्यक्ति है और वो दूसरे धर्म में उसने स्वीकार कर लिया दूसरे धर्म को, चाहे कैसी भी, चाहे मजबूरी में या अपनी इच्छा से, और किसी भी कारण, किसी परिस्थिति से, जैसे वो मुस्लिम धर्म बन गया या मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया उसने, ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया या कोई और अन्य धर्म स्वीकार कर लिया, तो अब अगर वो व्यक्ति वापस आना चाहता है तो उसका हिंदू रीति रिवाज से, वैदिक रीति रिवाज से शुद्धिकरण करके पुनः हिंदू धर्म में लाने पर जोर दिया। और यही जो है इनका क्या था, शुद्धि आंदोलन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को भी आगे बढ़ाया। उन्होंने आजादी प्राप्त करने के लिए स्वराज्य शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया। तो प्रथम बार प्रयोग स्वराज्य शब्द का किसके द्वारा किया गया, महर्षि दयानंद सरस्वती। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना सिखाया। उन्होंने कहा कि स्वराज्य विदेशी राज्यों से सदैव अच्छा होता है, चाहे उसमें कितनी ही बुराइयां क्यों ना हो। तो उस समय अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज ये कहते थे कि हम तुमको सभ्य बनाने के लिए आए। अंग्रेज किसके बल पर शासन किया करते थे, क्या उनके मेन तर्क थे? तो अंग्रेज कहते थे कि हमें तो ईश्वर ने तुम हिंदुस्तानियों को सभ्य बनाने के लिए इस धरती पर भेजा है, तो हम तुमको सभ्य बनाने के लिए आए हैं और जब तक हम यहाँ रहे तो तुम्हारा ही फायदा है, ताकि तुम लोग सभ्य बन सको। और भी कई अंग्रेज तर्क दिया करते थे अपने आप को सही साबित करने के लिए। तब ये कहते थे, महर्षि दयानंद सरस्वती कहते थे कि स्वराज्य जो है, यानी अपना राज्य, अपने लोगों का राज्य, विदेशी राज्य से सदैव अच्छा होता है, चाहे उसमें कितनी भी बुराइयां क्यों ना हो। आर्य समाज का शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष योगदान रहा है। आर्य समाज के नाम से विद्यालय, महाविद्यालय, देखिए जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जो मृत्यु है अजमेर में होती है, तो ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये हमने जिक्र तो कई बार किया है कि कैसे मृत्यु हुई थी। तो जोधपुर ने भी इनको इनवाइट किया था, महर्षि दयानंद सरस्वती जी को,
तो जब ये वहां जाते हैं तो वहां के महाराजा जो थे जोधपुर के उस समय, वो थे जसवंत सिंह सेकंड। जसवंत सिंह फर्स्ट कौन थे? जो अजीत सिंह के पिता थे वो तो फर्स्ट थे, ये जसवंत सिंह सेकंड थे। और इनकी एक पासवान थी नन्ही जान, गणिका, नाचने गाने वाली। नन्ही जान या नन्ही भक्तन के नाम से जानते थे इसको। और इसका उस समय मारवाड़ पे बहुत ज्यादा प्रभाव था। जब स्वामी जी यहाँ आते हैं तो चूंकि स्वामी जी बोलने में बहुत ज्यादा वैसे थे तेज की, बिल्कुल जो सही बात है सटीक वो कहने में कोई इनको हिचकिचाहट नहीं होती थी, चाहे सामने वाला राजा हो या कोई भी हो। तो कई लोगों ने पहले इनको आगाह किया था कि आप नहीं भी जाएं, क्योंकि वहां प्रभाव उसका नन्ही भक्तन या नन्ही जान का ज्यादा है और ये चीज आपसे सहन नहीं होगी और आप कुछ ना कुछ कह देंगे जिसका प्रभाव गलत पड़ सकता है। तो वहां इसी तरह का कुछ दृश्य जो है वो इन्होंने देखा स्वामी जी ने, और इन्होंने जसवंत सिंह को फटकार लगा दी। तो ये जो राजा है इसने तो वापस कुछ नहीं कहा, गर्दन झुका करके वहां से चला गया। लेकिन ये जो नन्ही बात है, ये नन्ही जान, इसने ये बात अपने मन पर ले ली और कि आपने इस तरह से कैसे मतलब इंसल्ट कर दी। और इसने जो रसोइया था उस रसोइयों के साथ मिल करके और स्वामी जी के दूध में इनके खाने में पिसा हुआ कांच मिलवा दिया जो कि विष का काम करता है। और वो दूध पीते ही स्वामी जी की जो तबीयत है बहुत ज्यादा खराब हुई जोधपुर में। वहां जब ठीक नहीं हुई तबीयत तो इनको अजमेर ले जाया गया, जहां 30 अक्टूबर 1883 को महर्षि दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु हो जाती है। एक महान आदमी की इस तरह से मृत्यु होना। इसके बाद में आता है रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद। तो अब देखिए स्वामी विवेकानंद के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण है। इन्होंने भारतीय संस्कृति, धर्म और समाज की अच्छाइयों से विश्व को परिचित कराया। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में बंगाल में विश्वनाथ दत्त के परिवार में हुआ था। तो महात्मा गांधी से ये उम्र में कितने साल बड़े थे, आपको मैंने पहले बताया कई बार, 6 साल बड़े थे ये। कौन? स्वामी विवेकानंद जी। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं क्योंकि महात्मा गांधी का तो आप बहुत ज्यादा पढ़ते हैं शुरू से ही, 1869, और स्वामी विवेकानंद जी का 1863। बंगाल में विश्वनाथ दत्त के परिवार में हुआ था और 12 जनवरी को युवा दिवस इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन। इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी जी पर अपनी माता भुवनेश्वरी देवी का विशेष प्रभाव था। भारतीय दर्शन के अध्ययन के साथ ही उन्होंने पश्चिमी विचारों का भी अध्ययन किया। प्रारंभ से ही अध्यात्म के प्रति उनमें काफी रुचि थी। सन 1881 में विवेकानंद जी के दक्षिणेश्वर में उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस से भेंट हुई, जिन्होंने उनको ईश्वर की अनुभूति कराई। तभी से स्वामी रामकृष्ण परमहंस के परम भक्त हो गए। तो ये इनके जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था वो यही था कि गुरु रामकृष्ण परमहंस जी से मुलाकात होना। कब? 1881 में। स्वामी विवेकानंद जी के समय तीन प्रमुख कार्य थे। पहला कार्य था धर्म की ऐसी व्याख्या करना जो सर्वमान्य हो। पाश्चात्य शिक्षा के कारण भारतीयों में धर्म के प्रति श्रद्धा कम हो गई। इस दृष्टि से हिंदू धर्म के प्रति हिंदुओं की श्रद्धा को पुनः स्थापित करना, हिंदू में आत्म गौरव की जो है वो भावना विकसित करना, तो ये इनके प्रमुख जो है वो कार्य थे। स्वामी जी ने धर्म की जो व्याख्या की उसका सार था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है। धर्म न तो पुस्तकों में है न ही धार्मिक सिद्धांतों में, वह तो केवल अनुभूति में निवास करता है। तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में देखिए, साहित्य जो है इनका वो रामकृष्ण मिशन के नाम से कई जो संस्थाएं बनी हुई है, लगभग शहरों में है, बड़े शहरों में तो हर जगह है ही, जैसे जयपुर में तो है ही है, सीएस के में है रामकृष्ण मिशन। तो वहां आप स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ किताबें वो आपको निश्चित रूप से पढ़नी चाहिए, आपको बहुत लाभ होगा। स्वामी विवेकानंद ने सन 1891 से भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया एवं भारतीयों के निर्धनता और दयनीय दशा का प्रत्यक्ष अनुभव किया। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने का अवसर मिला। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि शिकागो में
या जो है 1893 में ये सन भी पूछा गया है और ये स्थान भी पूछा गया है कि स्वामी जी ने भाग कब लिया था, 1893, किस स्थान पे, शिकागो में। और इनका जो स्पीच था वो ऐतिहासिक स्पीच माना जाता है। सैकड़ों सालों में जो अगर स्पीच देखें किसी व्यक्ति का, तो वो सबसे इम्प्रेसिव और सबसे ज्यादा प्रभावशाली जो भाषण था वो स्वामी जी का ही था, स्वामी विवेकानंद जी का, जबकि सबसे लास्ट में मौका मिला था इनको बोलने का। कई बाधाओं को पार करते हुए स्वामी विवेकानंद धर्म सम्मेलन में पहुंचे। स्वामी जी ने अपने व्याख्यान में विश्व का अवगत कराया कि विश्व का कोई भी कार्य भारत की सामर्थ्य के बाहर नहीं। बौद्धिक, धार्मिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक दृष्टि से भारत जितना समृद्ध है उतना विश्व का कोई अन्य देश नहीं है। स्वामी जी ने अपने आत्मीय उद्बोधन में लोगों का मन मोह लिया। अगले दिन वहां के समाचार पत्र हेराल्ड में उनके बारे में लिखा कि धर्म की इस महान संसद में विवेकानंद ही सबसे महान है। उनका भाषण सुनने के बाद लगता है कि ऐसे ज्ञानी देश यानी भारत को सुधारने के लिए विदेशी धर्म प्रचारकों को भेजना कितनी मूर्खता की बात है। तो ये थे स्वामी विवेकानंद। और देखिए, एक व्यक्ति को कैसे पता चलेगा, जैसे आप आज का युवा है, उसे कैसे पता चलेगा कि हमारा इतिहास कितना गौरवशाली रहा है? तो जब वो वेदों से संबंधित चीजें पढ़ेगा, पढ़े हमारी जो पौराणिक चीजें हैं, जो साहित्य है, लिटरेचर है, जब तक उसको नहीं पढ़ेगा तब तक उसको नहीं मालूम चलेगा कि हमारा हिंदुस्तान क्या था और क्या बन गया है। स्वामी विवेकानंद वेदांत दर्शन के अध्येता थे। वेदांत, उनकी मान्यता था कि वेदांत हमारे आत्मबल को जागृत करता है। स्वामी जी ने अज्ञानता व गरीबी की कठिनाई को दूर करने के लिए अनाथों की सहायता पर जोर दिया और उन्होंने भारत की राष्ट्रीयता का भी पोषण किया और भारत माँ की पूजा के लिए प्रेरित किया। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण की शिक्षाओं के व्यापक प्रसार के लिए कोलकाता में बेलूर के पास 5 मई 1897 रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी। 5 मई 1897 कलकत्ता में बेलूर के पास। इससे पूर्व 1887 में तारानगर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की गई थी। मठों के माध्यम से रामकृष्ण मिशन का संगठन और प्रचार कार्य स्वामी जी ने प्रारंभ कर दिया था, लेकिन रामकृष्ण मिशन का वैधानिक स्वरूप उनकी मृत्यु के बाद सन 1903 से अस्तित्व में आया, जब इसे एक समुदाय के रूप में पंजीकृत करा लिया गया। रामकृष्ण मिशन भारत के विभिन्न प्रांतों और अमेरिका, फिजी, मॉरिशस आदि देशों में शाखाएं हैं। रामकृष्ण मिशन ऐसे आदर्शों और सिद्धांतों का प्रचार करता है जिससे सभी धर्मों व संस्कृतियों के लोग अपना सकें। मिशन के माध्यम से उपदेश, शिक्षा, चिकित्सा, अकाल, बाढ़, भूकंप, संक्रामक रोगों से पीड़ितों की सहायता करने का कार्य किया जाता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, तो आप इसमें देखिए आप कैसे, कि ये वाली लाइन आपसे पूछ सकता है। कौन कौन सी है मैं आपको बताता हूं। जैसे आप नोट्स बनाते हैं तो आप इतने पैराग्राफ में आपको कैसे लिखना है, तो स्वामी विवेकानंद ने कोलकाता में बेलूर के पास 5 मई 1897 रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, ये लाइन। 87 में तारानगर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की गई, ये लाइन आप लिख सकते हैं। तो यही इस पूरे पैराग्राफ में, इतने पैराग्राफ में आपके लिए दो लाइन सफिशियंट है, ये वाली। स्वामी विवेकानंद का मानव सेवा में महत्वपूर्ण स्थान था। वे रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, निर्धनता, अशिक्षा के कटु आलोचक थे। छुआछूत और वर्ग भेद को नहीं मानते थे। जन कल्याण की भावना को उन्होंने प्रोत्साहित किया। तो ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अब आते हैं आचार्य तुलसी और अणुव्रत आंदोलन, जो कि जैन समाज से संबंधित हैं। भारतीय लंबी पराधीनता के पश्चात 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के स्वर्ण प्रभात से लोगों में नवीन आशाओं का संचार हुआ, लेकिन स्वतंत्रता के इस नव अभ्युदय से जो समाचार आ रहे थे वे बहुत अधिक चिंताजनक थे। हिंसा, सांप्रदायिक तनाव, असामाजिक वातावरण और अनैतिकता के बढ़ते हुए दौर को देखकर जैन श्वेतांबर धर्म के 13 पंथ संप्रदाय के 9वें आचार्य तुलसी जी की अंतरात्मा डोल उठी। देखिये, जैनों में भी दो संप्रदाय हैं, एक तो श्वेतांबर होते हैं जो कि श्वेत वस्त्र पहनते हैं, और एक दिगंबर होते हैं जो कि नग्न रहते हैं। तो ये जैनों के दो संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। जैसे बौद्धों के दो हैं, हीनयान और महायान। मुस्लिम में दो हैं, सिया और सुन्नी। तो इसी प्रकार से
उनके मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उठा कि क्या हमने इसलिए आजादी प्राप्त की थी? स्वाधीनता के आंदोलन के दौर में स्वतंत्रता सेनानियों ने जो स्वप्न देखे थे, क्या वे स्वप्न रहेंगे? लाखों लाखों भारतीयों ने आजादी प्राप्त करने के लिए क्या नहीं किया? क्या हिंसा, मारकाट, सांप्रदायिक तनाव, बलात्कार, भ्रष्टाचार, अनैतिक आचरण आदि का यह वातावरण इस देश की स्वतंत्रता सुरक्षित रख पाएगा? इस स्थिति को देखकर आचार्य तुलसी ने अपने कर्तव्य बोध का अनुभव किया। सोचा, यह चुप रहकर बैठने का समय नहीं है। उनका हृदय जाग उठा। सदियों से प्रताड़ित जड़वादी समाज को बदलने के संकल्प के साथ नई दिशा की ओर बढ़ने के लिए कूच किया। इस तरह के संकल्प को लेने वाले आचार्य तुलसी जैन धर्म की श्वेतांबर तेरापंथ परंपरा में 9वें आचार्य थे। श्वेतांबर के अंदर जो तेरापंथ परंपरा है उसके 9वें आचार्य हैं आचार्य तुलसी जैन। आचार्य तुलसी का जन्म राजस्थान प्रदेश के नागौर जिले के लाड़नू नामक कस्बे में कार्तिक शुक्ल द्वितीया को विक्रम संवत 1971 को हुआ था। तब 1971 विक्रम संवत है तो 1971 में से 57 माइनस कर लीजिए तो इनके बर्थ का सन आ जाएगा। इनके पिता का नाम झुमरमल खटेड़ ओसवाल तथा माता का नाम बदनाजी था। तो लाड़नू में जैन विश्व भारती भी है, बहुत ही शानदार। जब इनकी उम्र 11 वर्ष की थी तब तेरापंथ के अष्टमाचार्य कालुगणी के कर कमलों से मुनि ने दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा ग्रहण किससे की थी? 11 वर्ष की आयु में ली थी। कौन है? अष्टमाचार्य कालुगणी। 22 वर्ष की छोटी आयु में ही वे तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य धर्म संघ के माध्यम से आपने कई क्रांतिकारी कदम उठाए। परीक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान, अणुवर्त आंदोलन क्रांतिकारी कदमों में से है। आप आशु कवि, उद्भट लेखक, शोधक, प्रगतिशील विचारों के धनी, समाज सुधारक और रूढ़ियों के प्रबल विरोधी थे। आपका निधन 23 जून 1997 को गंगा शहर बीकानेर में हुआ। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं कि इनका निधन कब हुआ और जो शुरू में इनके कहां से संबंधित हैं वो आपके पॉइंट लिखने वाले हैं। ये जो बीच में लाइनें हैं ये आपको कोई ऐसी लिखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये है अणुवर्त आंदोलन, जीवन विज्ञान, प्रेक्षा ध्यान। ऐसे क्रांतिकारी क्रांति चेता आचार्य तुलसी ने स्वतंत्र भारत को नई दिशा देने के लिए जो संकल्प लिया उसकी घोषणा का सौभाग्य 1 मार्च 1949 को 10,000 श्रोताओं की उपस्थिति में सरदार शहर को प्राप्त हुआ तथा अणुवर्त विचार क्रांति की यह घोषणा आचार्य तुलसी ने वर्तमान राष्ट्रीय, सामाजिक और युगीन परिस्थितियों का विवेचन करते हुए नैतिक शक्ति के नव संचार के संदर्भ में की और उसमें अणुवर्त की आचार संहिता का महत्व बताते हुए जन जन को अपने कर्तव्य बोध से जागृत करने का आह्वान किया तथा अणुवर्त के नियमों और वर्तों का वाचन किया। तो आप इसमें एक पॉइंट ये लिख सकते हैं, 1 मार्च 1949 को 10,000 श्रोताओं की उपस्थिति में जो है ये विचार रखे इन्होंने। कहां पर? 1 मार्च 1949। तो ये एक लाइन जो है ये आप लिख सकते हैं इसमें। अणुवर्त के नियमों और वर्तों का वाचन किया। अणुवर्त की इस नियमावली के अनुसार सबकी व्याख्या करते हुए उन्होंने 75 नियमों की जानकारी दी। ये छोटे छोटे नियम अर्थात अणु यानी छोटे तथा नियम अर्थात वर्त की उपादेयता बताई। यह व्याख्या सुनकर तत्काल 71 व्यक्तियों ने अणुवर्ती बनने का निश्चय कर अणुवर्ती की प्रतिज्ञा ग्रहण की। अणुवर्त के नियम समाज के सभी व्यक्तियों के लिए यथा व्यापारी, विद्यार्थी, अध्यापक, एडवोकेट, राजनीतिक, उद्योगपति, डॉक्टर, इंजीनियर आदि के लिए थे। देखिए, एक तो महावर्त होते हैं वो हमने पहले भी पढ़े हैं और एक होते हैं अणुवर्त। तो जो पंच महावर्त हैं जैसे जैनों के कौन कौन से हैं हमने पढ़े हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो वो तो मुख्य रूप से जो जैन समाज को मानते हैं, जो ये साधु जो होते हैं मुख्य रूप से इनके लिए बनाए गए हैं क्योंकि ये नियम बहुत कठोर होते हैं, बहुत ज्यादा कठोर। और अणुवर्त जो है वो सामान्य व्यक्तियों के लिए है, जो व्यक्ति जो है इनका पालन करें। तो कौन कौन से हैं वो हम आगे देखेंगे। जैसे ये हैं यहाँ पे, सबको अपने अपने कार्यों के अनुरूप आचरण कर समाज में नैतिकता का प्रसार करना मुख्य उद्देश्य था। जैसे व्यापारी के अणुवर्त में कम नहीं तोलना, मिलावट नहीं करना, जमाखोरी नहीं करना आदि, विद्यार्थी के लिए नकल नहीं करना, अध्यापक का सम्मान करना जैसे नियम सबके लिए थे। तो व्यक्ति समाज में, सोसाइटी में रहते हुए अपना बेहतर कैसे दे सकता है? अभी जैसे कोरोना वायरस आप जानते हैं, सभी इससे ग्रसित हो रहे हैं, हर जगह कोरोना वायरस फैल रहा है, लॉकडाउन हो चुका है, लेकिन इस समस्या के अंदर भी कुछ लोग
जो है वो लूटने के बहाने खोजते हैं। जो अब जैसे मास्क है वो बहुत महंगा कर दिया, जैसे दुकानदार है कईयों ने बहुत ज्यादा महंगा कर दिया इसको। इसके अलावा और भी जैसे अनाज वगैरह है तो उनकी क्या करनी शुरू कर दी, कालाबाजारी। तो कई लोग जो है वो इस तरह के, जहां सहयोग करना चाहिए सबका, कई लोग अपनी जेब भरने के प्रयास करते हैं। तो ये सीधी सीधी मानवता की हत्या है। तो ये नियम सबके लिए बताए गए, अणुवर्त के नियम है, ये सभी व्यक्तियों के लिए हैं। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण आदि ने इनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। आचार्य तुलसी इस आंदोलन के प्रणेता व अनुशासक के रूप में संबोधित किए जाने लगे, यानी अणुवर्त आंदोलन। अणुवर्त आंदोलन क्या, जो अणुवर्त के 75 इन्होंने नियम बताए कि उनको जो है वो हर व्यक्ति, विद्यार्थी, युवा, हर फील्ड से संबंधित जो संबंधित है वो इनको अपने जीवन में आचरण में लाए। यद्यपि जैन तेरापंथ धर्मसंघ के आचार्य तुलसी द्वारा प्रारंभ किया गया, लेकिन इस आंदोलन की यह विशेषता रही कि यह किसी धर्म संघ से नहीं जुड़ा। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, समाज, जाति का हो, वह अणुवर्ती बन सकता है। अणुवर्त ने जातिवाद, सांप्रदायिकता, छुआछूत आदि का विरोध किया, नारी जाति को सम्मान दिया। विशुद्ध रूप से यह देश में नैतिकता के प्रसार व चारित्रिक सुदृढ़ता के विकास का आंदोलन है, मानवतावादी आंदोलन है। इसे युग धर्म या मानव धर्म का पर्यायवाची कह सकते हैं। यह व्यसन मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा देता है, जैसे नशा नहीं करना, और जीवन में प्रामाणिकता को प्राथमिकता देता है। यह कोई वाद नहीं है, धर्म नहीं है, किसी उद्योगपति या राजनेता द्वारा पोषित आंदोलन नहीं है। यह विशुद्ध रूप से मानव कल्याण का अहिंसक आंदोलन है। एक लाइन में अगर आपसे पूछा जाए कि अणुवर्त आंदोलन क्या है, तो मानव कल्याण का अहिंसक आंदोलन है। कौन? अणुवर्त। दबाव से नहीं बल्कि स्वेच्छा से अणुवर्ती बनने का आंदोलन है। इस आंदोलन के नियम व्यापारी, उद्योगपति, छात्र, अध्यापक, एडवोकेट, डॉक्टर, इंजीनियर, राजनेता सबके लिए अलग बने हुए। वे अपनी रुचि के अनुसार इन्हें अपना सकते हैं। इन सब वर्गों के सब नियमों को मूल रूप से संकलित करते हुए 11 नियमों की एक आचार संहिता निर्धारित की गई। वह क्या है? सबसे पहला क्या है? मैं किसी भी निर अपराध प्राणी का संकल्प पूर्वक वध नहीं करूंगा। तो कोई व्यक्ति निरअपराध है जिसका कोई लेना देना नहीं, एक सही व्यक्ति है, तो कभी उसका वध नहीं करना, आत्महत्या नहीं करूंगा। तो आत्महत्या करना भी एक गुनाह होता है। कई लोग जो हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं, कई बार ख्याल आता है, कई बार नौकरी में सिलेक्शन नहीं होता। मैंने एक जगह एक लाइन पढ़ी थी, वो लिखी हुई थी कि सुसाइड इज ए परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ टेम्परेरी प्रॉब्लम। सुसाइड यानी आत्महत्या है वो एक स्थायी समाधान है अस्थायी समस्या का। ये लाइन का क्या अर्थ था कि जो समस्या होती है वो कभी भी स्थायी नहीं होती, लेकिन सुसाइड तो अगर एक बार कर लिया तो फिर जान गई तो फिर क्या, जब रहे ही नहीं तो फिर क्या, तो भविष्य में समस्या का समाधान और क्या नहीं। तो समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में आती है और ये कभी भी स्थायी नहीं होती। यहां तक कि देवतागण जो होते हैं, अगर आप वेद पुराण पढ़ेंगे तो देवता गणों को भी समस्या का समाधान, समस्या जो है वो झेलनी पड़ी है। तो समस्या का सामना किया जाता है और समय हमेशा आता है, तो अच्छे समय का इंतजार करना चाहिए। जब जल भरा, एक वो कई आते हैं लाइने कि जब तालाब में जल भरा हुआ हो तो मछलियां जो है वो चींटियों को खाती है, और जब तालाब पानी कम हो जाए तो चींटियां मछलियों को खाती हैं। तो वो एक वक्त वक्त की बात होती है। अब आता है भ्रूण हत्या नहीं करूंगा, तो ये कई नियम हैं। मैं आक्रमण नहीं करूंगा यानी आक्रामक नीति का समर्थन नहीं करूंगा। विश्व शांति और निरस्त्रीकरण के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं हिंसात्मक और तोड़फोड़ मूलक प्रवृत्तियों में भाग नहीं लूंगा। आज भी आप देखते हैं लोग जो हैं छोटी छोटी बातों पे, सरकार ये जो एनआरसी ये कोई भी चीजें लेके आती है तो बस वो फटाफट जो है आंदोलन, या बसों को आग लगाना, रेलवे जो रेलवे की पटरियां हैं उनको उखाड़ना, तो इस तरह की प्रवृत्तियों को अंजाम देते हैं जो कि गलत है। मैं मानवीय एकता में विश्वास करूंगा। जाति, रंग आदि के आधार पर किसी को उच्च या निम्न नहीं मानूंगा, कोई बड़ा छोटा नहीं। अस्पृश्यता को नहीं मानूंगा। मैं धार्मिक सहिष्णुता रखूंगा, सांप्रदायिक उत्तेजना नहीं फैलाऊंगा।
मैं व्यवसाय और व्यवहार में प्रामाणिक रहूंगा, अपने लाभ के लिए दूसरों को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तो ये कई महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। नेक्स्ट क्या है, छल पूर्ण व्यवहार नहीं करूंगा। छल पूर्व क्या होता है, किसी को धोखे में रख करके और उसको मूर्ख बना करके और अपना फायदा उठाना। मैं ब्रह्मचर्य की साधना और संघर्ष की सीमा का निर्धारण करूंगा, संग्रह की सीमा का निर्धारण, जो अपरिग्रह वाला था कि आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना। एक व्यक्ति को उतना तो संग्रह करना ही पड़ेगा कि उसका और उसके परिवार का अच्छे से भरण पोषण हो सके, लेकिन अनलिमिटेड की गोदाम के गोदाम भरे पड़े हैं, दुनिया भूखे मर रही है और गोदामों में जो अनाज सड़ रहा है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। मैं चुनाव के संबंध में अनैतिक आचरण नहीं करूंगा। मैं सामाजिक कुरीतियों को स्पर्श नहीं दूंगा, यानी उनको बढ़ावा नहीं दूंगा, आश्रय नहीं दूंगा। मैं व्यसन मुक्त जीवन जीऊंगा, यानी मादक नशीले पदार्थों, शराब, गांजा, चरस, हेरोइन, भांग, तंबाकू आदि का सेवन नहीं करूंगा। मैं पर्यावरण की समस्याओं के प्रति जागरूक रहूंगा, हरे भरे वृक्ष नहीं काटूंगा और पानी बिजली आदि का व्यपव्यय नहीं करूंगा। तो मित्रों, ये जो अनिवार्य संहिता है ये सभी के लिए है, और इनमें इतना कुछ कह दिया इन्होंने कि इन 11 नियमों का कोई इंसान अगर पालन कर ले तो देश को सोने की चिड़िया बनने में 1 साल से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। लेकिन वो ये है कि ये करे कौन? नशा सबको करना है, चाहे गरीबी कितनी भी हो जाए, कितना ही हो जाए, लेकिन उसको शाम को दारू के ठेके पे अगर जाके पीनी है किसी को, तो वो जाके पीता ही है। घर बेच देगा, पत्नी के जेवर बेच देगा, गहने बेच देगा, बर्तन बेच देगा, लेकिन फिर भी पीनी है उसको। तो ये सब जो है ये बर्बादी के कारण है। ये सब चीजें हैं, ये सब जितने भी इन्होंने बताई है, ये हर चीज इंसान को पतन की ओर लेके जाती है। ये तो नशे से मुक्त रहें, अच्छा खाना खाएं, भरपूर दही दूध छाछ राबड़ी बाजरी की रोटियां खाएं, बढ़िया मस्त। उनसे अच्छा क्या है खाने में, कुछ भी नहीं है। अणुवर्ती के लिए इन वर्गीय अनुवर्तों का पालन अनिवार्य रखा गया है। इन अनुवर्तों की पालना करने वाले पूरे देश में लाखों अनुवर्ती भाई हैं, जो देश में नैतिकता, शांति, सह अस्तित्व और भाईचारे का प्रसार कर रहे हैं। अनुवर्त के प्रचार प्रसार के देश भर में अनुवर्त समितियां कार्य कर रही हैं। तो ये आपका चैप्टर पूरा होता है आज, और अब ये क्वेश्चन वगैरह भी हम कर लेते हैं। पहले महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। 19वीं शताब्दी में धर्म व समाज सुधार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना था। विलियम जोन्स और मैक्स मुलर ने कई भारतीय ग्रंथों का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया। राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत थे। सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज और दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। तो दोनों में डिफरेंस कितने साल का है, 47 साल का डिफरेंस है। 1828 में ब्रह्म समाज और 75 में आर्य समाज। 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद जी ने सर्वाधिक महान व्यक्ति बताया गया इनको। 1874 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की हिंदी भाषा में उदयपुर में रहते हुए रचना की। सरस्वती जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। इनका निर्वाण 1883 में अजमेर में होता है। आचार्य तुलसी अणुवर्त आंदोलन के प्रणेता थे। अणुवर्त आंदोलन नैतिकता का आंदोलन है जो किसी धर्म या संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं है। ये जैन समाज का होकर के भी केवल जैन समाज के लिए नहीं है, ये एक नैतिकता का आंदोलन है जो हर व्यक्ति को इनका पालन करना चाहिए, इन नियमों का। अब हम क्वेश्चन करते हैं, तो इन क्वेश्चन में आपके कितने सही होते हैं आज आप लिख के बताइएगा कमेंट करके। ये कुल जो क्वेश्चनों की संख्या है ये 6 है, तो आप कमेंट करके बताइएगा आपके इन 6 में से कितने सही हुए हैं। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद सरस्वती और देवेंद्रनाथ टैगोर। तो सही उत्तर क्या होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा गया है, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो सही उत्तर क्या होगा, राजा राम मोहन राय। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं भैया, आपने पढ़ा होगा जो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि है ये किसके द्वारा दी गई थी। ये आपको नहीं आता है तो इसको ढूंढिएगा। आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, किसी मुगल से संबंधित है, ये मुगल जो थे उनसे संबंधित है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके
किसके द्वारा दी गई थी? यह भी कई बार पूछा गया है। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो क्या होगा सही उत्तर? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? कब हुई थी स्थापना? तो क्या होगा सही? 1828 में। और उसकी कब हुई थी आर्य समाज की स्थापना? 1875। और स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विषम धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था? कब गए थे? 1893। उसके बाद है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त, मूल शंकर, जटा शंकर, भवानी शंकर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मूल शंकर। नरेंद्र नाथ दत्त किसका बचपन का नाम है? स्वामी विवेकानंद का। अणुवर्त आंदोलन के प्रणेता हैं? तो क्या हो जाएगा? आचार्य तुलसी। तो ये 6 क्वेश्चन हैं। इन 6 में से आपको कितने आते थे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके साथ ही सती प्रथा विरोधी कानून कब पारित किया गया था? इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट करके जरूर बताएं कि सती प्रथा विरोधी कानून कब पारित किया गया, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके साथ ही देखिएगा, कुछ विद्यार्थी जो हैं आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके जवाब देते ही देते हैं, साथ में और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, कई पॉइंट हैं वो भी बतलाते हैं, वो भी लिखते हैं। तो मित्रों आप भी लिखिए, अगर आपके पास कोई भी और जानकारी हो किसी भी पॉइंट से संबंधित, किसी भी विषय से संबंधित, अगर जो हम पढ़ रहे हैं और इनसे संबंधित कई और पॉइंट आपको याद हैं या आपने पढ़े हैं, तो उनको भी कमेंट में जरूर लिखा कीजिएगा। आपको भी फायदा होगा और जो कमेंट करता है और जो भी उसको पढ़ेगा कमेंट को, वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है तो उसमें जब आप कमेंट देखेंगे तो आपको और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जिन्होंने अच्छी जानकारियां दी है वो आप पढ़ेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो ये तो एक सहयोगात्मक प्रवृत्ति के कार्य हैं, हर व्यक्ति का सहयोग है इसमें। तो आप और जिस ईमानदारी से विद्यार्थी बहुत मेहनत कर रहे हैं, 7-8 हजार विद्यार्थी बहुत होते हैं अगर वैसे देखा जाए, क्योंकि इतने विद्यार्थी तो कम से कम अभी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ साथ, तो ये संख्या कम नहीं होती, 7-8 हजार विद्यार्थी राजस्थान में, तो बहुत बड़ी संख्या है ये। और इसके साथ ही देखिए मित्रों, जो 6ठी से 10वीं तक की किताबें हैं ये जीके का भंडार है, खजाना है। और अभी के जो चैप्टर चल रहे हैं इनमें से तो लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लगातार। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप जो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं, कोई सॉन्ग के लगाता है, कोई गानों के लगाता है, कोई जो कई दिल के दर्द वाले लगाते हैं, कोई कुछ लगाते हैं, कोई हंसी मजाक के लगाते हैं, तो जो अपने YouTube के वीडियो हैं ये, इनको शेयर करके और इनका स्टेटस भी लगा देंगे तो बेचारों फायदा ही हो जाएगा किसी को, तो लगा दिया कीजिए। इसमें इतनी शंका नहीं करें इनको लगाने में। आपके YouTube पे अगर आप इनको अपने WhatsApp पे स्टेटस पे इनको लगाते हैं, इनका लिंक शेयर करते हैं WhatsApp पे स्टेटस पे, तो अच्छा ही है, मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप करेंगे तो। बाकी भी आप लगाएं, आपको जो लगाने हैं, लेकिन कम से कम ये भी साथ में थोड़ा लगाया कीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।